हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मेथी का परांठा। ये देखने में आपको मेथी का परांठा नॉर्मल लग रहा होगा, बट इसके जो मैंने तरीका इसमें डाला है वो सबसे यूनिक है। तो हम ऐसा ही मेथी का परांठा बनाते हैं। अगर आप मेरे इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। इसमें न्यू ट्रिक्स मैंने आजमाई हैं, जिसमें कई लोग मेथी का परांठा नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है और इसके अंदर मकई का आटा भी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कभी ऐसा ट्राई किया है मेथी का परांठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल, आधा चम्मच ही डाला है। फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। उसके बाद मेथी को अच्छे से क्लीन कर कर, छोटे छोटे कट करके, बिल्कुल फाइन चॉप करके मैं इसमें फ्राई करूँगी। कई लोग इसमें भरकर बनाते हैं, मतलब फुलका बेलकर फिर भरकर बनाते हैं परौंठा। कई लोग मक्की के आटे में गूंद कर बनाते हैं, कई गेहूं के आटे में भी गूंद कर बनाते हैं। बट आज मैं मकई और गेहूं का आटा मिक्स करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे। खाने में बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी होगा ये परौंठा। तो देख ले सकते हैं आप, मैंने 5 से 7 मिनट हमारी मेथी को फ्राई करके इसको, इसका जो पानी था उसको सोख लिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम बनाते हैं हमारा डो। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा। 2 स्पून लिए हैं मैंने बड़े वाले, जो सर्विंग स्पून होते हैं। आप चाहे तो किसी मेजरमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 चम्मच ही डाला है मकई का आटा। तो मकई का आटा बहुत अच्छा होता है सर्दियों में, विंटर्स के लिए भी। उसके बाद हम डालेंगे हमारे ड्राई मसाले, जिसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च और थोड़ा सा हमारा गरम मसाला, हरा धनिया। उसके बाद मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन तो आपको पता ही है, हाथ में मसल कर डालनी चाहिए, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल और बढ़ जाती है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 से 2 हमारी छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च। हरे मिर्च से भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। हमने पूरा अच्छे से आटा इसको गूंथना है। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। कुछ लोग सोचते होंगे कि मेथी भी हरी हरी है, धनिया भी नहीं दिखेगा, बट आपको अगर टेस्ट अच्छा लगता है, अगर आपको धनिया का फ्लेवर भी पता होगा, तो आपको ज़रूर से पता होगा मेथी और धनिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग काम करेंगी, इसलिए हमने दोनों को डालना है। उसके बाद हमने डाला है थोड़ा सा अदरक। अदरक डालने के बाद जो आपके मुंह में आएगा उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा परौंठे का। इसके बाद हमने धनिया और मेथी सब ऐड करके, जिसमें भी इसमें थोड़ा सा पानी है जो एडजस्ट हो जाएगा उसको करेंगे। उसके बाद हम इसमें वार्म पानी डालेंगे। वार्म पानी इसलिए डालेंगे हम क्योंकि हमने इसमें डाला है मकई का आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा हो तो उसको हम नॉर्मल पानी से कर सकते हैं, बट वार्म पानी से बहुत ही मुलायम आपका आटा गूंदा जाएगा। अब इस टाइम, इस पोजीशन पे हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच मलाई। फ्रेश क्रीम डालेंगे हम, जो हमारी नॉर्मल घर की मलाई होती है। और आप पाएंगे कि आपका जब परौंठा सिकेगा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खुशबूदार बनेगा, बहुत ही मुलायम बनेगा खाने में भी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से हमारा आटा को गूंद लिया है वार्म पानी से। 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही ढककर हम छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें मुक्के मारे हैं बहुत अच्छे से, ताकि ये फाइन हो जाए। 1 चम्मच देसी घी का डाल के बहुत अच्छे से इसको मसल के मल लेना है। उसके बाद हम आते हैं हमारा बेलन परौंठे, चकले बेलने पर, और हमारा परौंठा को हम बेलेंगे। बेलने की पोजीशन या फिर आप साइज या फिर कुछ भी कर सकते हैं। डिज़ाइन आप चाहें तो ट्रायंगल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, राउंड कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लीजिए, बट मैं बनाऊंगी राउंड। इसके अंदर डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच देसी घी। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये लेयर अच्छे से इसकी दिखे और फ्लेवर भी बढ़े। आप देख सकते हैं मैं स्क्वायर बना रही हूँ, तो हर लेयर के ऊपर मैं घी लगाऊंगी। तो हम पंजाबी लोग होते हैं तो पंजाबी तो आपको पता ही है, तो घी तो बहुत अच्छे से खाते हैं, ताकि उसमें विंटर्स में हमारे अंदर बहुत ही इम्यूनिटी की ज़रूरत भी होती है। कुछ लोग घी अवॉइड करते हैं, घी कम लगा लीजिए, ज़्यादा लगा लीजिए आपके ऊपर है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा स्क्वायर परौंठा बना लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, और तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा था। इसके बाद हम अपने परौंठे को अच्छे से सेक लेंगे।
ये सबसे अलग परौंठा बनाने का तरीका है मेथी का परौंठा। अगर आप इसको ट्राई कर चुके हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। और अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो आप ऐसा परौंठा बनाकर ज़रूर से ट्राई करके तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप अगर आपने ट्राई किया। मेरी और भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी हैं इस चैनल पर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिए और मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। और आपको ये रेसिपी भी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।